हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से रिलेटेड फ्यूल के बारे में। फ्यूल, आइडियल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के आइडियल फ्यूल के क्या क्या यूजेज हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कोल के बारे में कि कोल क्या है, कोल का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका माइनिंग कैसे किया जाता है, कोल के कितने टाइप हैं, चार टाइप होते हैं कोल के, उन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। साथ में कोल के यूजेस के बारे में डिस्कशन होगा। कोल के डिस्कशन के बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाया जाता है कोल का, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वो प्रोडक्ट्स क्या क्या यूज़ में आते हैं, उन सभी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर कोल के बारे में हम बात करें कि कोल का इंट्रोडक्शन अगर दें तो कोल इज अ मिनरल ऑफ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर, या तो वो ब्राउन कलर का होगा या ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट बरीड इन अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर अगो। अगर कोल के बारे में बात करें तो अबाउट 150 मिलियन ईयर्स लगा होगा कोल को बनने में, 150 मिलियन ईयर लगा होगा कोल को बनने में। एक्चुअली ये क्या होता है, ये प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उस प्लांट्स का डेड बॉडी होता है। प्लांट्स जब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता है, हीट बढ़ता है, जिसके वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्चुअली ये पेड़ का वुड वगैरह बना होता है वो कार्बन का होता है, और जिसमें कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है वो कोल बन जाता है। कोल 35% कार्बन से लेकर 98% कार्बन तक रहता है। तो वो इसमें कोल का कुछ अच्छा क्वालिटी है, कोल का कुछ ख़राब क्वालिटी है। जिसमें कार्बन कम परसेंटेज में रहता है वो कोल का ख़राब क्वालिटी होता है, और जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है वो अच्छे टाइप का कोल बनता है। तो वो कार्बन पे डिपेंड करता है कि वो कार्बन उसमें कितना परसेंटेज है, और कार्बन कैसे इंक्रीज करता है तो वो टाइम के साथ वो इंक्रीज करता है। टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके वजह से वो प्लांट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक कोल जिसको कि निकाला गया है कहीं से और इसको कहीं पर ले जाया जा रहा है। अब कोल किस चीज़ से बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो कोल इज़ अ वेरी इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कम्प्लीटली कोल जो होता है वो कार्बन से बना होता है। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी मिला रहता है। इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा लिटिल मात्रा में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अगर प्योर कार्बन है उसमें 98% तक तो सिर्फ कार्बन ही है। अगर 2% में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर है। अब यहाँ पे 98% कार्बन जो सुपर क्वालिटी का, लेकिन कुछ कोल ऐसा भी होता है जिसमें 27% कार्बन होता है जो लो क्वालिटी का है। तो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 27 है। इसके अलावा हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब का परसेंटेज यहाँ पर ऑलमोस्ट 73 के लगभग रहता है। तो जैसे जैसे ये परसेंटेज घटेगा, जैसे जैसे अदर एलिमेंट का परसेंटेज घटेगा और कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, वो उतना ही बेहतर कोल बनते जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, वो उतना ही ज़्यादा हम लोग को हीट प्रोवाइड करता है। इसके आगे चलते हैं माइनिंग पर, कोल का माइनिंग कैसे किया जाता है। तो कोल का माइनिंग दो तरीके से किया जाता है। कोल इज माइंड यूजिंग टू मैथड, दो मैथड है कोल के माइनिंग का। एक ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होता है सीधा सा सिंपल सा, ओपन जगह पर अगर माइनिंग चल रहा है तो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब होता है जमीन के अंदर में अगर माइनिंग चल रहा है, खुदाई चल रहा है,
और वहां से अगर कोल निकल रहा है तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग इज यूज्ड व्हेन द डिपॉजिटेड ऑफ कोल आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज कर लो अर्थ क्रस्ट है ये, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट के बहुत नजदीक में ही अगर कोल है 10 फीट 15 फीट नीचे अर्थ क्रस्ट के 15 फीट 20 फीट तक भी अगर कोल है तो उसमें हम लोग करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन अगर लैंड के 200 फीट 500 फीट नीचे अगर कोल है तो इसके लिए हम लोग को अंडरग्राउंड माइनिंग करना पड़ता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में लोग जमीन के अंदर जाते हैं माइनिंग के लिए, जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है अंडरग्राउंड माइनिंग का है। अंदर में माइनिंग करने के लिए ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है, उसी ट्रैक से लोग जाते हैं और उसी ट्रैक से कोल भी बाहर निकलता है। तो अंदर में ट्रैक बनाया रहता है और उसी से कोल, आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, ये पार्ट, ये सभी कोल से ही, कोल के ही रहते हैं। तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, दो तरह का माइनिंग, एक ओपन कास्ट एंड एक अंडरग्राउंड। तो ये दोनों माइनिंग डिपेंड करता है कि कोल अर्थ क्रस्ट से कितना नीचे है। अगर वो ज़्यादा नीचे नहीं है, 20 25 30 फीट नीचे है, तो उसको आसानी से अपर कास्ट माइनिंग से ही निकाला जा सकता है। वही 500 फीट 1000 फीट अगर नीचे है तो उसके लिए हम लोग को अंडरग्राउंड माइनिंग करना पड़ता है। नाउ फॉर्मेशन, वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो कोल कैसे बना, तो हजारों साल पहले ऑलमोस्ट 150 से 300 मिलियन साल पहले कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेगेटेशन मैटर बरीड अंडर द अर्थ। मतलब कि अर्थ के अंदर बहुत सारा प्लांट का वेगेटेशन हुआ, मतलब कि वो प्लांट अंदर चला गया अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन साल पहले। ये 150 टू 300 मिलियन ईयर लिखे हैं क्योंकि वह 150 मिलियन ईयर से ये बनना शुरू हो जाता है। द अर्थ वॉज कवर्ड विथ अ डेंस फॉरेस्ट। अर्थ किस चीज से कवर था, पूरा घना जंगल से, मार्सलैंड एंड रिवर, इसके अलावा मार्सलैंड भी है रिवर्स भी है। द फॉरेस्ट ग्रू एंड डाइड एंड फॉल इन टू द वॉटर ऑफ द सराउंडिंग स्वेयर। अब क्या हुआ, फॉरेस्ट जैसे जैसे बड़ा हुआ धीरे धीरे वो पानी उस पर गया, मरना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाना शुरू हो गया। द प्लांट्स वेयर कवर्ड विद द टॉन्स ऑफ अर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। और इस तरह से प्लांट क्या होता है, जब जमीन के अंदर चला गया, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट जमीन के अंदर चला गया, तो बहुत समय तक इस पर क्या हुआ, अर्थ पे लेयर चढ़ते रहा। किसका, सैंड का, सैंड सॉयल इस सब का कवर चढ़ते रहा और कवर चढ़ते 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 मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए। ऑलमोस्ट 150 मिलियन ईयर जब गुजर गया जाता है तो ये इस पर प्रेशर और हीट बढ़ते जाता है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अर्थ का प्रेशर, अर्थ क्रस्ट का ऊपर से प्रेशर बढ़ते जा रहा है और इसके साथ साथ हीट भी, टेम्परेचर भी नीचे जाने के साथ बढ़ते जा रहा है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लांट्स का जो डेड बॉडी होता है वो पीट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ द वेगेटेशन मैटर गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। और ये जो पीट है ये कोल का ही एक पार्ट है जो कि अच्छा कोल का टाइप नहीं होता है, इसमें 27-35% तक ही कार्बन रहता है। इसमें जो कार्बन रहता है 27-35% तक कार्बन रहता है और ये टाइम टू टाइम जैसे जितना ज़्यादा इंक्रीज करता है उतना ज़्यादा अच्छा कोल बनता है। फॉर दिस रीज़न कोल इज़ नोन एज फॉसिल फ्यूल, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसको फॉसिल फ्यूल क्यों बोला गया, क्योंकि ये प्लांट का डेड रिमेन से बना हुआ है, इसी वजह से इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और टाइम बीतने के साथ, हीट बढ़ने के साथ ये पीट कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में। टाइम भी बीत रहा है और हीट भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में।
और भी टाइम बीतते जाता है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ते जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है हल्का लाइट ब्राउन का, वो होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस का। और सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो पूरा ब्लैक दिख रहा है, वो होता है कोल का सबसे सुपरलेटिव कैटेगरी, जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। इस तरह से कोल बनता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पुराने जमाने में फॉरेस्ट हुआ होगा, किसी रीजन से फॉरेस्ट जमीन के अंदर में चला गया होगा, हो सकता है वॉल्केनो इरप्शन की वजह से, हो सकता है किसी भी रीजन से लैंडस्लाइड की वजह से, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया होगा, जमीन के अंदर गया होगा। बहुत टाइम बीतने के बाद इसके ऊपर लैंड का कवर चढ़ गया, इस पे डस्ट का, सैंड का, सॉयल का कवर चढ़ गया और ये धीरे धीरे इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे वो कन्वर्ट हो गया पीट में। और पीट से फिर टाइम धीरे धीरे बीतते गया बीतते गया, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर के लगातार बढ़ने से ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ। और भी टाइम बीता, और भी हीट मिला, और भी टेम्परेचर बढ़ा, तो वो बिटुमिनस में कन्वर्ट हुआ और फाइनली वो कोल के सबसे अच्छे क्वालिटी एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। इस तरह से कोल बनता है। चलिए आगे चलते हैं, कोल के टाइप्स के बारे में जानते हैं। कितने तरह के होते हैं कोल? कोल कम्स इन फोर मेन वेराइटीज। कोल चार तरीका से होता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एयर ड्राइड सैंपल एज अ फॉलो। यहाँ पर कोल के चार तरीका को दिखाया गया है और बताया गया है कि परसेंटेज उसका डिपेंड करता है, जिसमें जितना परसेंट कार्बन होगा उसके हिसाब से ही कोल जो होता है वो उसका कैटेगरी किया गया। सबसे पहला टाइप है पीट। दिस इज अ मटेरियल इन विच फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। ये पहला स्टेज होता है, जैसा कि मैंने आपको इमेज में भी दिखाया कि सबसे शुरू में अगर बनता है तो वो पीट ही बनता है। ये इसको बनने में 150 मिलियन ईयर लगता है ऑलमोस्ट, और ये पीट बन के तैयार हो जाता है। इट कॉन्ली ओनली 27% कार्बन। यहाँ पे 27 सिर्फ लिखना सही नहीं है, ये 27 से 35% कार्बन तक रखता है अपने अंदर। एंड कंसिडर टू ए लोएस्ट ग्रेड ऑफ कार्बन। और कार्बन का ये सबसे, मतलब कि कोल का जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट ग्रेड बोल सकते हो, वो क्या है, पीट है। इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, ओनली 27% टू 35% तक कार्बन प्रेजेंट रहता है और ये लोअर ग्रेड कहलाता है किसी कोल का। ये आसानी से आपको मिल जाएगा और ये मिट्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक होगा, बस मिट्टी ब्राउन होता है, ब्राउन से थोड़ा डीप ब्राउन होगा, डीप ब्राउन कलर का होगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। ये आसानी से आपको मिल जा रहा है, ये पीट है जो कि आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है कम टाइम में। इसके बाद आता है दूसरा टाइप है, जिसका नाम है लिग्नाइट। द वेराइटी ऑफ कोल कंसिस्ट ऑफ 48-50% कार्बन। लिग्नाइट में 48-50% तक कार्बन रहता है। इट इज द पुअर हीटिंग पावर, इट इज ब्राउन इन कलर बट लिट्रस वेन ड्राई। अब देखो, लस्ट्रस वेन ड्राई, ये लस्ट्रस होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको पूरी तरीका से सुखा दो, इसको पूरा ड्राई कर दो, तो ये क्या होगा, हल्का चमक दिखेगा इसमें, ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, और इसमें कार्बन कितना परसेंट रखता है, 48-50% तक इसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये आसानी से जल तो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देता, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देता, लो लेवल ऑफ हीट, ये हीट बहुत कम देता है और लाइट भी कम ही देता है। तो ये लिग्नाइट का प्रॉपर्टी होता है। लिग्नाइट कार्बन का सेकंड ग्रेड मान लो, सबसे लो ग्रेड तो पीट होता है, उससे अच्छा ग्रेड होता है लिग्नाइट। इसके बाद थर्ड ग्रेड के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बिटुमिनस। इट इज अ सॉफ्ट कोल कंटेनिंग 78-86% ऑफ कार्बन। बिटुमिनस में ऑलमोस्ट 85% तक
78 to 86% यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि इसी के बीच में बिटुमिनस होता है और ये बहुत यूजफुल है बहुत जगह, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किसको? बिटुमिनस को ही। यहाँ तक कि पावर प्लांट में जो कोल यूज किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बिटुमिनस ही होता है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि कोल में अगर कोई टाइप सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो बिटुमिनस होता है। इट गिव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ गैस व्हेन हीटेड एंड बर्न विथ येलो ल्यूमिनस फ्लेम। ये जलेगा तो येलो लाइट देगा। येलो लाइट इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। इनकम्प्लीट कम्बशन होने की वजह से ये येलो लाइट देता है। यहाँ पे एयर अच्छा तरीके से इसको मिलता नहीं है जिसके वजह से इनकम्प्लीट कम्बशन होता है और ये येलो फ्लेम देता है। येलो फ्लेम देने का मतलब है कि ये हीट तो बहुत ज़्यादा नहीं देगा, हीट कम देगा, लेकिन लाइट जो होगा वो लाइट बहुत ज्यादा देगा, लाइट ज्यादा देगा और हीट कम देगा। और बिटुमिनस का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ कार्बन के सबसे सुपरलेटिव ग्रेड के बारे में बात करते हैं तो वो है एंथ्रासाइट। इट इज हार्ड कोल एंड कंटेन 94 to 98% ऑफ कार्बन। 94 to 98% तक कार्बन ही रहता है इसमें। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि इसमें कोल में जो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर प्रेजेंट रहता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ये बहुत लो क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा इट इज लस्ट्रस। लस्टरस मतलब कि आपको मैंने बताया कि ये चमकता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हो ये हल्का चमक रहा है। ये चमक इसलिए रहा है क्योंकि ये कार्बन बहुत ज़्यादा है इसमें और साथ ही साथ इसका ग्रेड बहुत अच्छा है। इट बर्न विदाउट स्मोक, इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड गिव मच हीट एंड लिटिल लेस। इसके जलने पर ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देता है, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देता है। हीट एनर्जी के साथ साथ ये इसका जो एस निकलेगा वो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। बिटुमिनस कोल इज बाय फार द मोस्ट यूजफुल एज अ फ्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया बिटुमिनस के समय में कि बिटुमिनस जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल फ्यूल में से आता है। बट एंथ्रासाइट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुपीरियर इन क्वालिटी। क्वालिटी में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो बिटुमिनस का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट देता है और थोड़ा क्या है, ये थोड़ा महंगा भी है, कॉस्टली भी है। बिटुमिनस चीप होता है, चीप होने के साथ साथ ये बिटुमिनस अपना सारा काम कर सकता है, इसी वजह से हम लोग को एंथ्रासाइट का जरूरत नहीं पड़ता। एंथ्रासाइट हीट देगा, कम अमाउंट में ज़्यादा हीट देगा, बट बिटुमिनस उससे कंपैरिजन करें तो कम हीट देगा लेकिन सुटेबल होता है हम लोग के हिसाब से, इसलिए हम लोग बिटुमिनस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंथ्रासाइट का कम यूज़ करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ कोल, कोल का यूजेस क्या है इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो पहला यूज मैंने बताया है, कोल इज यूज एज अ फ्यूल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम टू रन थर्मल पावर प्लांट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप किसी भी पावर प्लांट को देखे होंगे तो पावर प्लांट में बहुत सारा स्टीम निकलता है। वो स्टीम कहाँ से निकलता है, वो स्टीम किस चीज़ का रहता है, तो वो स्टीम होता है वाटर का। ये स्टीम निकलता है कहाँ से, वाटर से स्टीम निकलता है, और वाटर को वहाँ पे अगर बॉयल किया जाता है, अगर वाटर को बॉयलिंग करने के लिए हीट का ज़रूरत होता है तो वो हीट जो मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है, वो कोल से मिलता है। तो वहाँ पर जो है ना बिटुमिनस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पर मिक्सचर यूज़ किया जाता है, एंथ्रासाइट बिटुमिनस और लिग्नाइट के मिक्सचर का यूज़ किया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो बिटुमिनस का होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ फ्यूल इन होम्स एंड फैक्ट्री। हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं कोल का, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं कोल का, एंड रन स्टीम इंजन।
हम लोग कोल से स्टीम इंजन भी चला सकते हैं। यहाँ स्टीम इंजन को चलाने के लिए हम लोग को स्टीम का जरूरत पड़ता है, और स्टीम कहाँ से बनेगा, स्टीम बनेगा कोल से, कोल के हीट की वजह से स्टीम बनता है। तो स्टीम इंजन बनाने में कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा घर में खाना वगैरह बनाने के लिए भी कोल यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, और फैक्ट्री वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये फैक्ट्री देख रहे हो, इसमें धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर में कोल को जलाया जा रहा है और हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके। नाउ सेकेंड यूज़, कोल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस। कोल का जो यूज़ किया जाता है वो फ्यूल गैस बनाने में किया जाता है, सच एज कोल गैस। कोल को जलाने पर एक विशेष तरह का गैस निकलता है जिसको कोल गैस बोलते हैं। इसका टेम्परेचर उस समय बहुत हाई होता है, तो कोल गैस बनाने में भी कोल का यूज़ होता है। कोल के बिना कोल गैस नहीं बन सकता है, तो और कोल गैस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम लोग के लाइफ में, इसी वजह से यहाँ पर भी कोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कोल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक ऑयल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। कोल का यूज़ जो किया जाता है सिंथेटिक ऑयल बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक ऑयल खास करके बहुत सारे मोटर्स वगैरह में डाला जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो व्हीकल्स वगैरह में जाता है। तो वो व्हीकल्स में सिंथेटिक ऑयल जाता है, जिससे वजह से इंजन अच्छे से सेफली रोटेट कर पाए और अच्छे से काम कर पाए। तो इसको बनाने में भी कोक का यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोल इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन नेचुरल गैस। कोल का यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस बनाने में। यहाँ पे इंडस्ट्री में आपको अगर ये फायर दिख रहा है तो वो कहाँ से बना हुआ है, नेचुरल गैस की वजह से ये ऐसा होता है। और नेचुरल गैस कहाँ से बनता है, वो कोल से बनता है। ये नेचुरल गैस जब बनता है तो नेचुरल गैस इन्वायरमेंट को बहुत कम इफेक्ट करता है, पॉल्यूशन फ्री होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है, कम्प्लीटली फ्री नहीं है, मतलब कि ये इन्वायरमेंट को बहुत कम पॉल्यूट करता है। फॉर दिस फाइनली ग्राइंडेड कोल इज हीटेड विथ हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है, कोल को ग्राइंड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्राइंडेड कोल जो होता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा में कोल रहता है, उसको हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हीट देता है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएं तो वो 150 किलो जूल का हीट प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है और कोल के साथ मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है जो कि नेचुरल गैस कहलाता है। ये एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है जो कि नेचुरल गैस होता है। यहाँ पर कोल को, ग्राइंडेड कोल को हाइड्रोजन के साथ जब गर्म करते हैं तो वहाँ पे सुटेबल कैटलिस्ट भी ले जाता है। कैटलिस्ट वो होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में काम आसान कर दे, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, उसका काम आसान कर दे, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर प्रेजेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोल टार, कोल गैस एक्सेट्रा। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये एक्चुअली रोड बनाने का है, तो वो रोड जो बन रहा है वो कोल टार से बन रहा है, कोल टार का यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि एस्फाल्ट एक दूसरे में चिपक जा रहा है। इसके अलावा कोक और कोल गैस ये सब भी बनाने में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कराया जाता है कोल का, तो ये सारे चीज़ बनकर तैयार हो जाते हैं। ये जो फिगर है ये आपको कोक का फिगर है जो कि आपको मैंने दिखाया है। नाउ लास्ट यूज ऑफ कोल, कोल इज द सोर्स फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टॉलुइन, फेनॉल, नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसीन आर ऑब्टेंड। कोल से बहुत सारा चीज निकाला गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला गया है, जिसमें बेंजीन एक है। बेंजीन मतलब कि C6H6। टॉलुइन का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है।
अगर ये ऐसे लिख दें तो ये टॉल्यूइन कहलाता है। इसके अलावा फेनॉल, फेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे और यहाँ पर OH रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल के तरफ से निकाले जाते हैं, कोल से निकाले जाते हैं, या ऐसा बोल सकते हो इन सभी का सोर्स जो है ना वो कोल ही है। यहाँ तक कि डायमंड जो निकलता है वो कोल के माइनिंग में ही निकलता है, कोल माइन में ही निकलता है। तो ये डायमंड भी कोल माइन में ही निकलता है, ये बात हम लोग को याद रखना है। नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया जाता है तो क्या हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज कैरीड आउट द हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। द प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस एंड यील्ड ऑफ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। मतलब कि कोल को विदाउट एयर हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जब देते हैं, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होने से तरह तरह का चीज बनता है, कोल से भी बहुत सारे चीज बनते हैं, जिसमें से पहला है कोक, कोल थार, अमोनियम लिक्विड, कोल गैस, चारकोल। तो कोक के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कोक सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हाई परसेंटेज कार्बन, नियरली 98%। यहाँ पे जो ये कोक दिख रहा है आपको, ये कोक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कार्बन का करते हैं, कार्बन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोक में, और कोक कुछ ऐसा दिखता है। इसको भी एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी में, कोक का खास करके बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा कोक का और क्या क्या यूज़ है, तो कोक को हम लोग घर में फ्यूल के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल जिसको बोलते हैं। गांव वगैरह में, विलेज में बहुत सारी लेडीज़ें कोल तो खरीदती हैं, साथ में कुछ कोल जब जलता है, जो कंप्लीट जल नहीं पाता विदाउट एयर के एब्सेंस में, जो अच्छे से जल नहीं पाता, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है कोक में, और उस कोक को फिर से सुखाया जाता है, पानी में डालकर उसको वापस से सुखा दिया जाता है, और फिर से वो फ्यूल के तरह काम करता है। तो ये कोक का एक बहुत अच्छा यूज़ है। इसके अलावा एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील जब बनता है तो स्टील के मैन्युफैक्चर में ये कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन कराने में सफल होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन क्या होता है, कहीं पर भी हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन कहीं पर भी ऐड होता है, या फिर कहीं पर भी ऑक्सीजन निकलता है, तो वो कहलाता है रिडक्शन। और रिडक्शन जो करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो कोक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यूजफुल फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस कैन बी मेड यूजिंग कोक। वाटर गैस बनाने के लिए या फिर जैसा कि एक रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पर ये कोक लिया गया है, ये कार्बन नहीं, ये कोक रहता है। कोक को वाटर के साथ रिएक्शन कराए जाने पर ये बनता है, ये गैस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे गैसेस भी इससे बन सकता है, जैसे वाटर गैस हो गया या प्रोड्यूसर गैस हो गया, कोक के हेल्प से बन सकता है। नाउ नेक्स्ट, यूज्ड इन मेटलर्जी ऑपरेशन एज अ रिड्यूसर फॉर ऑक्साइड ओर। बहुत सारे ऑक्साइड ओर हैं, जैसे ZnO, CaO, तो ये सब ऑक्साइड ओर हैं। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं
मेटलर्जी करवाते हैं तो इसका रिडक्शन जब होगा तो रिडक्शन कराने के लिए क्या करना होता है, इसका कार्बन से को मतलब कि कोक से रिएक्शन करवाना होता है। इसका रिएक्शन किससे करवाना होता है, कोक से। कोक से जैसे ही रिएक्शन करेगा ये हो जाएगा 2Zn प्लस CO2। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर से ऑक्साइड से ये जो प्योर मेटल में चला गया, ये जिंक ऑक्साइड है, ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड ओर में से जो प्योर जिंक निकला, ऑक्सीजन हटा, वो किसके वजह से हटा, ये कोक की वजह से हटा। तो कोक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट कोलतार। कोलतार के बारे में मैंने बताया है, कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड इज इज थिक ब्लैक लिक्विड। ये ब्लैक कलर का होता है और गाढ़ा सा होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप में रहता है। इससे दो चीज को, दो मटेरियल को आप चिपका सकते हो। ये एज अ गम की तरह काम करता है। अगर आप देखोगे रोड वगैरह बनाने में, तो रोड वगैरह बनाने में कोलतार का यूज किया जाता है, और इसको रोड पर जब डाला जाता है तो इससे एस्फाल्ट वगैरह जो होता है वो एक दूसरे में चिपक जाता है। बहुत सारे रोड पर आपने ये इसका यूज करते हुए देखा होगा। नाउ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार की मैनी केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, एक्सप्लोजिव, पेंट, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग, पेस्टाइड्स। सम ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस आर बेंजीन, टोलुइन, फेन नॉल, एनिलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल तार का भी किया जाए, कोल तार को भी एब्सेंस ऑफ एयर में, कोल तार को एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाए तो क्या होगा, हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज में, वो हो सकता है पेंट में कन्वर्ट हो जाए, पेंट के साथ साथ हो सकता है ये सिंथेटिक फाइबर भी दे, ड्रग्स भी बहुत तरह का देता है, पेस्टिसाइड्स भी देता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन को बनाने में हेल्प करता है, फेनॉल को बनाने में हेल्प करता है, टॉलुइन को बनाने में हेल्प करता है। ये सब एक ही तरह के कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन होता है C6H6 जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फेनॉल का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, बस सिर्फ ऊपर पे OH आ जाता है। टॉलुइन का स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा ही होता है, बस ऊपर पे CH3 आ जाता है। एनिलाइन का भी स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है, जिसके ऊपर पे NO2 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे पार्ट्स कोल तार से बन सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक। एंड सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल गैस के बारे में। कोल गैस इज अ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन क्या है, CH4, कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर कहलाता है हाइड्रोकार्बन। मीथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है। तो कहने का मतलब है ये तीनों गैस को अगर मिला दें तो ये कोल गैस बनाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा कोल गैस। और कोल गैस कैसा होता है, कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल मींस जिसमें आसानी से आग लग पाए, जिसमें आसानी से आग लग जाए, एंड हेंस इट इज अ एक्सलेंट फ्यूल। इसके वजह से क्या होता है, कोल गैस जो होता है एज अ फ्यूल वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह बहुत हाई होता है। इसको 1 ग्राम अगर जलाएंगे कोल गैस को तो ऑलमोस्ट 150 किलो जूल हीट एनर्जी देगा। इट वॉज यूज फॉर लाइटिंग हाउस, फैक्ट्री, स्ट्रीट इन मुंबई अंटिल 1950। तो अगर हम लोग बात करें इसके यूज के बारे में, तो इसको लाइट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, और फैक्ट्री वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग अंटिल रिसेंटली, कुछ दिन पहले तक कोल गैस का यूज़ किया जाता था। किस पर्पस से, कुकिंग पर्पस से। ये पाइप के थ्रू पहुंचाया जाता था घर में और लोग इसका यूज़ करते थे। तो ये है कोल गैस का कुछ यूजेज। आई होप
कोल के बारे में आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम लोग जो करेंगे वो होगा पेट्रोलियम के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।